हाय फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राजकुमार मौर्य और मेरे चैनल का नाम है राज मौर्य वीडियोस। दोस्तों, देरी ना करते हुए मैं आपके लिए आज जो चेहरा लेके आया हूँ उसके बारे में आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। यह साउथ कोरिया की पॉप म्यूजिक में सबसे बड़ा नाम है। ब्लैक पिंक का यह एक कोरियन पॉप म्यूजिक में चार लड़कियों का एक फ्यूजन ग्रुप है। ये लड़कियां दुनिया भर में धमाल मचा रही हैं। जिस तरह से पॉप म्यूजिक में लड़कों के ग्रुप का नाम है BTS, वैसे ही लड़कियों के सबसे पॉपुलर ग्रुप का नाम ब्लैक पिंक है। इसी ग्रुप की सबसे मेन सिंगर हैं लिसा। लिसा इस ग्रुप यानी ब्लैक पिंक की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड रैपर हैं। इनकी मौजूदगी से यह बैंड पॉप म्यूजिक का सबसे बड़ा नाम बनता जा रहा है। यूँ तो इस ग्रुप की चारों लड़कियां अपने आप में बहुत ही फेमस है, लेकिन लिसा को लेकर दुनिया में जो दीवानगी दिखती है वह आज के समय में किसी और रैपर के लिए नहीं दिखती। ब्लैक पिंक की लिसा आज इस पॉप ग्रुप के जरिए अरबपति हो चुकी हैं। इनके पास इतना पैसा है कि बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स भी उतना नहीं कमाते हैं। एक एक शो का या करोड़ों रुपए लेती हैं। इनका बचपन का नाम प्राण प्रिया मनोबन था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया। बचपन में ही लिसा बेहद ही पढ़ने में होशियार स्टूडेंट थी। संगीत के प्रति बचपन में ही इनका लगाव था। कोरियन पॉप म्यूजिक को सुनते हुए बड़ी हुई लिसा ने 7वीं क्लास से ही सोच लिया था कि ये भी एक दिन कोरियन पॉप म्यूजिक का हिस्सा बनेगी। लिसा अभी बहुत छोटी थी, तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया और लिसा की जिंदगी में एक तरह से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लिसा के पिता उनके म्यूजिक करियर के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी उन्हें और उनके परिवार को छोड़कर पॉप म्यूजिक में करियर बनाने के लिए कोरिया जाए, लेकिन लिसा ने हार नहीं मानी। वे लड़ती रही और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती रही। आखिरकार पिता को हार माननी पड़ी और बेटी को उन्होंने कोरिया भेज दिया। कभी लिसा के सपनों के बीच में रोड़ा बने उनके पिता को आज उन पर गर्व होता है। आज वे दुनिया भर में अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है और उनके फैसले पर गर्व है। गर्व हो भी क्यों ना, सिर्फ 14 साल की उम्र में कोरिया पहुंचकर जिस तरह से कोरियन पॉप म्यूजिक में लिसा ने खुद के लिए जगह बनाई और आज दुनिया में उनसे बड़ा कोई भी लड़की रैपर नहीं है। पॉप म्यूजिक में तो कोई भी बाप अपना सीना गर्व से चौड़ा कर। 4 साल की उम्र में ही माँ को पता चल गया था कि लिसा डांसिंग में दिलचस्पी ले रही है, तो उन्होंने उसका डांस स्कूल में दाखिला करा दिया। लेकिन डांसिंग के साथ साथ लिसा ने रैप करना भी शुरू किया और पॉप म्यूजिक में कदम आगे बढ़ाया। कोरियन पॉप स्टार बनने के सपना सिर्फ 7 साल में ही लिसा ने देखना शुरू किया। बचपन थाईलैंड में बीत रहा था, इसलिए इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसे में इन्होंने थाईलैंड में ही होने वाले सिंगिंग और पॉप म्यूजिक कंपटीशन का हिस्सा लेना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र से ही वे एक के बाद एक पॉप म्यूजिक के कंपटीशन जीतने लगी। 10 साल की उम्र जाते जाते ट्रॉफियों से उन्होंने अपना घर भर दिया। हालांकि पिता को यह सब पसंद नहीं रहा था, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि बेटी उनसे दूर रहे। कोरिया आने के बाद 6 सालों तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और फिर मेहनत का नतीजा यह रहा कि 8 अगस्त 2016 को लिसा को कोरिया के सबसे बड़े गर्ल पॉप ग्रुप ब्लैक पिंक में एंट्री मिल गई। इस ग्रुप में एक डांसर और रैपर के रूप में सबसे छोटे सदस्य में जैसे लिसा ने अपना सफ़र शुरू किया और आज वह इसी ग्रुप की सबसे खूबसूरत और नंबर 1 मेंबर बन गई हैं। आज दुनिया भर में ब्लैक पिंक को लिसा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पिंक से जुड़ने के बाद लिसा को मॉडलिंग
के तमाम ऑफर आए। कई सारे बड़े कोरियन और हॉलीवुड फिल्मों से ऑफर आते। बुम्बायाह गाने से ब्लैक पिंक के लड़कियों ने इस ग्रुप में दुनिया भर में जो तहलका मचाया है, आज भी सोशल मीडिया यानी यूट्यूब वगैरह पर इसे लेकर दीवानगी देखी जा सकती है। इसी गाने को यानी बुम्बायाह ब्लैक पिंक को इतना लोग पसंद करते हैं कि क्या कहा जाए। इसी गाने ने इन चारों लड़कियों को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लिसा रातों रात दुनिया भर में रैपर क्वीन बन गई। आज रैपर और डांस में लिसा का कोई जवाब नहीं, उन्हें कोई नहीं पीछे छोड़ पा रहा है।